वन पीस में बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं और उनमें से एक मिस्ट्री था वानो के गेट्स, जिसे अब शायद ओडा ने जो है रिवील कर दिया है। प्लस वानो में ही एंसेंट वेपन प्लूटोन है, और भाई 800 साल पुराना वानो ना क्या लग रहा है बे, फुल एटलांटियंस वाली वाइब दे रहा था। अब अगर तुमने वानो आर्क ध्यान से गौर करके देखा है, एक बात गौर किया होगा तुमने, भाई क्या खूबसूरती से ओडा ने इस आइलैंड को क्रिएट किया है। मैं पहले स्काइपिया आइलैंड को जो है टॉप पे रखता था, बिकॉज जिस तरह से वो जाया का पार्ट था, फिर वो नॉकआउट स्ट्रीम के वजह से ऊपर चल गया बादलों के ऊपर और फिर स्काइपिया बना, काफी ज्यादा यूनिक लगता था। बट अब वानो को देखने के बाद, वानो के हिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझने के बाद, जानने के बाद, मुझे वानो बहुत मस्त लग रहा है। खैर जो कुछ भी हो, आज हम लोग जो इस वीडियो में वानो के बारे में जानेंगे, वाई वानो आर्क इज सो इम्पोर्टेंट, चाहे वो वॉइड सेंचुरी का टाइम हो या फिर करंट का टाइम हो, इन सब चीजों के बारे में जो है मैं आज बात करूंगा। वैसे यहाँ पर तुमको जो इस वीडियो में बहुत सारे थ्योरीज भी तुमको जानने को मिलेंगे, प्लस इस वीडियो में तुम बहुत अच्छे तरीके से शायद हिस्ट्री को समझ भी सकते हो, वन पीस के हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो में आते हैं। अकॉर्डिंग टू ओडिन, 800 साल पहले वानो के गेट्स ओपन थे, मतलब अगर वानो के गेट्स ओपन थे तो यहाँ के लोग भी दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते होंगे। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है ज्यादातर लोग नहीं जाते होंगे, कुछ कुछ लोग ही जाते होंगे दूसरे आइलैंड्स में, दूसरे जगहों में ट्रैवल करने के लिए। वरना यार तुम ही सोचो, ये जो पॉनिक्लिफ है जिसे कोजुकी के खानदान वालों ने बनाया है, उसे फिर अलग अलग आइलैंड्स में किसने रखा, या फिर इनका अगर कनेक्शन दूसरे आइलैंड्स के साथ नहीं रहता तो फिर इन पॉनिक्लिफ को वो लोग क्यों रखने के लिए मजबूर होते, सिर्फ जॉय बॉय ही तो रीजन नहीं हो सकता। प्लस वानो कुनी एक लौता ऐसा आइलैंड है जिसपे जॉय बॉय सबसे ज्यादा अंधों की तरह भरोसा करता था, क्योंकि यार पूरा इतिहास का जिम्मेदारी जो है उन्हीं के कंधों पे था। अब अगर मैं बात करूँ ना वर्ल्ड गवर्नमेंट की, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इन लोगों ने यार वाइल्ड सेंचुरी के इतिहास को तो मिटा दिया, लेकिन उन आइलैंड्स पे कब्जा करके नहीं रख पाए, या फिर कब्जा कर ही नहीं पाए जो उस इतिहास को प्रेजेंट में जिंदा कर दे, चाहे वो स्काइपिया हो, एलाबास्टा हो, फिशमैन हो, ज़ोउ हो, या फिर अभी का टाइम पे वानो हो। खैर मैं लाफ्टेल तक तो जाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत दूर की बात हो जाएगी। हम लोग यार अब थोड़ा आते हैं तोकी पे। भाई ये लड़की पास्ट से 800 साल पहले से फ्यूचर में आती है, किस लिए आती है बिल्कुल नहीं बताया जाता। ये वानो कुनी आना चाहती थी। अब ये वानो में इसका क्या काम था, अगर तुम ओडेन का भी अगर जब बैक स्टोरी दिखाया गया था उसमें भी तोकी का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था। हाँ वो बात अलग है, हायोरी और मोमनोस्के को जन्म देना हो वही बस काम था, वरना फिर और क्या काम था, ऐसा जो है देखने में लगता है। लेकिन उसका जो काम था, वो क्या करने आई थी, वो हमें कभी भी बताया ही नहीं गया, उसे जो है छिपा के रखा गया। देखो यार इसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मेरे दो अजम्पशंस हैं। सबसे पहला ये हो सकता है, जब वो 800 साल पहले, जब उस वक्त जॉय बॉय था, उस वक्त के जॉय बॉय की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब वो फ्यूचर में आई तो वो उस चीज को जो है एविडेंस करने के लिए आई थी कि इस टाइम पे जॉय बॉय आता है कि नहीं। लेकिन वो गलती से यार गलत टाइमलाइन में पहुंच जाती है, मतलब मैं कह रहा हूँ वो 20 साल पहले आ जाती है, बिकॉज उसको एग्जैक्ट डेट टाइम नहीं पता होता है। अब देखो ये थोड़ा ना नॉनसेंस टाइप का हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो गलती से 20 साल पहले आ जाती है, तो पहला वाला भी पॉसिबल है लेकिन ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी पे, जो कि ऐसा हो सकता है वो जॉय बॉय के लिए नहीं, मतलब अभी का जो लूफी के लिए नहीं, वो रॉजर के लिए आई थी। बिकॉज तुम देखो ओडेन तोकी से मिलता है, उसके बाद भाई ओडेन जो है रॉजर पायरेट्स को ज्वाइन करता है, फिर रॉजर पायरेट्स आगे जाकर के वन पीस को खोजते हैं। अब देखो रॉजर के पास भी जॉय बॉय वाला विल था, इस पे किसी को भी शक नहीं है, बिकॉज हमें बहुत बार यार लूफी को रॉजर की तरह दिखाया गया है, या कह लो रॉजर को हम एक तरह से जॉय बॉय की तरह दिखाया गया, इस तरह से तुम समझ सकते हो। जिस तरह से रॉजर ने जब वन पीस को खोजा, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट करके गया, उसी तरह से हम तोकी को समझ सकते हैं कि वो रॉजर के लिए आई थी, रॉजर जैसे बंदे को पायरेट किंग बनते हुए शायद देखना चाहती थी, एविडेंस के लिए आई थी कि जो हमने पास्ट में जो चीज सोचा है वो फ्यूचर में जाके हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्लस जब वो ये चीज देख लेती है कि कोजुकी ओडेन ने रॉजर पायरेट को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद रॉजर जैसे बंदे को देख लेती है, तो हाँ उसके अंदर जो है एक बात समझ में आ जाता है कि वो गलत टाइमलाइन पे नहीं आई है, जैसा पास्ट में सोचा गया था कि 800 साल बाद इस टाइप से होने वाला है, वही चीजें ही चल रही है। खैर इसको तुम एक तरह से थ्योरी कह सकते हो, पर अजम्पशन वाला थ्योरी है, पॉसिबिलिटीज थोड़े कम नजर आते हैं, लेकिन मेरे को ये पॉसिबिलिटीज लगते हैं।
वरना तुम ही जरा सोचो, जो तोकी है 800 साल पहले से 800 साल फ्यूचर में आती है, और वो क्यों आती है? वानों के लिए आती है। और वो वानो आकर के क्या करना चाहती थी ये चीज़ नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा हो सकता है, प्लस हो सकता है वो वानो कुनी जा करके कोजुकी ओडेन, जो उस टाइम का कोजुकी फैमिली का वंशज था, उसके लिए ही आई होगी, उसको शायद मोटिवेट करने के लिए आई होगी कि तू जा बाहर जा, कुछ कांड वांड कर। खैर, अब मैं आना चाहूँगा 800 साल पीछे, वर्ल्ड सेंचुरी के टाइम पे, आखिर क्या हुआ होगा। देखो यार, जॉय बॉय एक वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता था। हमें हर बार बताया गया है कि लूफी का जो ड्रीम है, रॉजर का जो ड्रीम है, वो सेम है। प्लस जो जॉय बॉय का ड्रीम होगा उस वक्त, जो जॉय बॉय जो है वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता था, जिसे उसने वन पीस में लिख के छोड़ा हुआ है, उसने लाफ टेल में लिखा हुआ है, वो उस वर्ल्ड को क्रिएट करने में फेल हो गया होगा, प्लस वो मर गया। अब हाँ, यहाँ पे कुछ अकल के अंधों का दिमाग के ऊपर से जा सकता है और वो लोग बोलेंगे कि आखिर जॉय बॉय कैसे मर सकता है। भाई, उसका यूज़र मतलब निका डेविल फ्रूट का यूज़र मरेगा तभी तो भाई वो डेविल फ्रूट उसके बॉडी से अलग होगा, और अगर उसका डेविल फ्रूट जो है उसके बॉडी से अलग नहीं होगा तो फिर वो लूफी के पास कैसे करके आएगा? और लूफी अगर नहीं खाता, मतलब वो मरा होगा तभी ना उसके बॉडी से अलग हुआ होगा। अब देखो यार, ये बहुत सारे लोगों को जो अजीब सा लग सकता है कि मैंने इतना छोटा सा बात भी क्यों समझा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यार नहीं समझ में आता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, तो इस वजह से मेरे को ये छोटा वाला बात भी समझाना पड़ा। अब देखो, उस वक्त जब जॉय बॉय अपने ड्रीम में फेल हो गया, मतलब वो जो वर्ल्ड बनाना चाहता था उस वक्त वो ये वर्ल्ड को नहीं क्रिएट कर पाया, प्लस जो जॉय बॉय के जो सबऑर्डिनेट्स थे, जिसे मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये जो डी वाले हैं, जिनके नाम के बीच में डी आता है, ये जो है उसके टीम के मेंबर्स होंगे, या फिर उसके साथ जो है अलायंस में होंगे, या फिर सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, ये जॉय बॉय के साथ ही थे। प्लस जो कोजुकी फैमिली थी, या कह लो वानो कुनी के जो लोग थे, ये लोग जॉय बॉय के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, जॉय बॉय इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भरोसा करता था। बस यही था कि ये लोग जो है जॉय बॉय के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे, जैसे ओडेन रॉजर पायरेट का हिस्सा था, लेकिन वो रॉजर पायरेट का हिस्सा था ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक साल के लिए ही उसके क्रू को ज्वाइन किया था। उसी तरह से हो सकता है जो कोजुकी फैमिली थी उस वक्त की, जो वानो कुनी के लोग थे, ये लोग जॉय बॉय के साइड से ही थे, लेकिन वो लोग छिपे हुए थे। प्लस जब जॉय बॉय फेल हुआ और वो जब मरा, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा फ्यूचर के 800 साल बाद को लेकर के, कि वो वापस आएगा, और इस चीज़ को हर जगह पे मतलब सेफ रखने का काम, या फिर कह लो जब जॉय बॉय 800 साल बाद वापस आएगा तो वो अपने ट्रेजर को खोजेगा और दोबारा से उस वर्ल्ड को क्रिएट करने का ट्राई करेगा जिसका उसने 800 साल पहले सपना देखा था। तो इसके लिए यार कोजुकी फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो यहाँ हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा होगा, जॉय बॉय का ये लास्ट जो लाइन है, लास्ट इन्फॉर्मेशन, कि ये सब जानकारी को ऐसे किसी चीज़ में लिख देना कि फ्यूचर में जब वो वापस आए तो उसके काम आ सके। और यही सेम चीज़ जो है कोजुकी फैमिली पॉनिक्लिफ के रूप में करते हैं, वो लोग पॉनिक्लिफ को क्रिएट करते हैं, वो लोग बनाते हैं और एक ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं जिसे उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। इतना समझ में आ गया उस वक्त वानो क्यों इम्पॉर्टेंट था? बिकॉज जॉय बॉय जब फेल हुआ तो यार उसके इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखने का काम किया कोजुकी फैमिली ने, पॉनिक्लिफ को इन्वेंट करके। अब उन पॉनिक्लिफ को किसी तरह से, वो एग्जैक्ट नहीं पता वो कैसे किया गया, लेकिन किसी तरह से उन पॉनिक्लिफ को जो है अलग अलग ऐसे ऐसे जगहों पे छिपाया गया जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट पहुँच नहीं सकती। और हाँ, ये जितने भी हमें अभी तक पॉनिक्लिफ दिखाए गए हैं, जरा तुम गौर करो, उन आइलैंड्स पे वर्ल्ड गवर्नमेंट आसानी से नहीं पहुँच सकती, चाहे वो अलाबास्टा किंगडम हो, जहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन वाला पॉनिक्लिफ है जहाँ पे हमें प्लूटोन के बारे में बताया गया, या फिर स्काइपिया हो, वो भी अलग है उन लोगों से, वो तो नीचे से सीधा आसमान में चल गया। फिर आते हैं फिशमैन पे, भाई फिशमैन भी आसानी से तुम जा नहीं सकते, पहले तो तुमको बबल कोटिंग चाहिए, और अगर तुम वहाँ जा भी सकते हो तो पूरी तरह से तुम यार घुस नहीं पाओगे, वो एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट के पहुँच से बाहर है, प्लस वो न्यू वर्ल्ड में है तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के टेरिटरी में भी नहीं आता। फिर आते हैं ज़ू पे, तो यार वो तो चलता रहता है तो तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, और जो वानो कुनी है भाई उसके तो गेट्स ही हैं तो आसानी से कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई मुंह उठा के आके बोल सकता है भाई फिर काइडो ने तो कब्जा कर लिया, बताता हूँ। देखो, काइडो के कब्जा करने से पहले
पूरे 800 साल पीछे तक मैं वानो कुनी को सबसे सेफ कंट्री में से एक मानता हूँ। अब वो कैसे मैं बताती, देखो सबसे पहले तो वानो कुनी के जो गेट्स हैं वो कोई ऐसे नहीं है, वो तो ये पहाड़ अगल बगल खड़ा हुआ है। उसके बाद वानो कुनी सामुराई का कंट्री है, वहां पे एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग सामुराई है। प्लस वानो कुनी के गेट्स की वजह से तुम यार डायरेक्ट जो है पूरा फौज लेके नहीं घुस सकते, मतलब नेवी का फ्लीट यहाँ डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। इसके बाद मान लो तुम जैसे तैसे करके यार उस झरने के ऊपर चढ़ भी गए, भाई ऊपर से ना नीचे काट के फेंक दिए जाओगे, बिकॉज वानो ऐसे काम नहीं करता। वानो के जितने भी कंट्रीज है अलग अलग, चाहे उडोन हो गया, कुरी हो गया, ऐसे जो 6 कंट्रीज है वहां पे अलग अलग दामियोस है जो कि उसको रूल करते, और उनका सबसे ऊपर हेड आता है वानो का सोगुन, जो कि कोजुकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर बनता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मजाक लग रहा होगा तो मैं बताता हूँ। देखो अगर कोजुकी ओडेन व्हाइट बियर्ड के साथ बाहर नहीं गया हुआ होता तो कभी भी काइडो वहाँ पर कब्जा कर नहीं पाता। तो मैं अब भी मजाक लग रहा बताता हूँ, ओडेन कितना ताकतवर स्वॉर्ड्समैन था, किस लेवल का स्वॉर्ड्समैन था ये तुमको भी पता है। भाई काइडो को किस तरह से स्कार दिया था, भाई काइडो आज भी नाम करता है उसका। इसके बाद वानो कुनी में उस वक्त कोजुकी ओडेन के लेवल के भी स्वॉर्ड्समैन और भी थे, जैसे कि हायोग्रो जो लूफी को ट्रेन किया था उस वक्त वो अपने प्राइम में था। अब मैं इसको पूरी तरह से ओडेन के लेवल का नहीं मानता, लेकिन हाँ ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर आते हैं तोनेयासु जिसका ओरिजिनल नेम है यासोई, और ये कंफर्म है कि भाई ये ओडेन के लेवल का स्वॉर्ड्समैन था। फिर ओडेन का बाप, अब उसके बाप का भी ठीक से नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस वक्त यार नया नया ही ओडेन को जो है उसका जिम्मेदारी दिया था, तो हो सकता है कि उस वक्त ये बंदा भी स्ट्रॉन्ग होगा, और यार ओडेन का बाप है तो ये वीक नहीं हो सकता। तो यहाँ तुम देख सकते हो चार चार ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आता है आकाजाया 9, भले ये सब चूतिया है लेकिन छोड़ दो, एक टाइम के लिए मान लेते ये लोग भी स्ट्रॉन्ग है। और फिर यार बाकी 6 दामियों, तो भाई मजाक नहीं है कि काइडो जो है डायरेक्ट हमला करके वानो कुनी को अपने कब्जे में ले लेता। प्लस यार तुम जरा गौर करना, मांगा चैप्टर 1055 में खुद आरामाकी ये बात कंफर्म करता है कि अगर काइडो वानो कुनी में ही रहता, मतलब वो एम्परर का पोस्ट में रहता, तो वो कभी भी नहीं आता। मतलब यहाँ पे तुम समझ रहे हो, काइडो ने भले ही गुलाम बना के रखा था लेकिन वानो को सेफ रखा था, पर अब वानो आजाद हो चुका है। अब यहाँ तुम एक बात कहोगे कि भाई लूफी तो योंको बन गया, लेकिन जरा गौर करना, लूफी किसी भी आइलैंड को अपनी टेरिटरी घोषित नहीं करता है, वो फ्री कर देता है। मतलब तुम अपना हिसाब से जियो, मैंने तुमको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। तो जब लूफी जो है इस आइलैंड को छोड़ के जाएगा, और मुझे जहां तक लगता है यामाटो भी छोड़ के ही जाएगी, लेकिन अगर यामाटो छोड़ के नहीं जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर यामाटो इसको छोड़ के जाती है तो इस आइलैंड को काफी ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज इस वक्त इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई तगड़ा वाला बंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बंदा ना अपने डेविल फ्रूट को काबू में कर सकता है और ना ही स्वॉर्ड चलाना जानता है ठीक से। अब हाँ वो फ्यूचर में जो है बहुत तगड़ा वाला स्वॉर्ड्समैन बनेगा, वो मुझे पता है, कोई ट्रेन बस कर दे इसको यार, ओडेन का बेटा है तो जरूर कोई तगड़ा वाला स्वॉर्ड्समैन ये बनेगा, प्लस इसके पास काइडो का डेविल फ्रूट का कॉपी है, तो ये बंदा तगड़ा तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर लूफी के जाने के बाद कोई और आकर के इस कंट्री पे कब्जा कर लेता है तो भाई वो वन पीस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट दावेदार बन जाएगा, वो वन पीस को खोज सकेगा। कैसे मैं बता तो, उसको 3 चीज का प्रॉफिट होगा, पहला रोड पॉनिक्लिफ, सेकंड एंसेंट वेपन प्लूटोन, थर्ड फ्री फोकट का पढ़ने वाला पॉनिक्लिफ रीडर कोजुकी ओडेन का बाप। 3 चीजें मिल गई। अब हम लोग आते हैं वानो के गेट्स को लेके कि आखिर इसे कौन क्रिएट कर सकता है। देखो यार इसको लेके मेरा एक और अजम्पशन है, और इसके लिए हमें जो है 800 साल पीछे जाना पड़ेगा। तुम सबको एक बात पता है, प्लूटोन एक बैटल शिप है और इसको पक्का किसी ना किसी ने तो बनाया ही होगा। प्लस इसके जो ब्लूप्रिंट्स थे वो वाटर 7 में क्या कर रहा है यार, काफी बड़ा वाला सरदर्द है ना। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिस भी बंदे ने या फिर बंदी ने जिसने भी एंशिएंट वेपन प्लूटोन बनाया है उसी ने ही वानो के गेट्स को भी बनाया होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसको किसी ने क्रिएट किया है जिसको काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का ज्ञान। देखो यार वानो में जाने के 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता झरने के ऊपर से जाओ और दूसरा रास्ता झरने के अंदर से जाओ, जिसे हमें दिखाया जाता है जब एपू जो है वानो कुनी में इंटर करता है। और भाई बताओ ना यार, ये टनल वाला जो रास्ता है कोई ऐसे नॉर्मली क्रिएट कर सकता है, मजाक का बात थोड़ी है यार। और इस लेवल का टेक्नोलॉजी सिर्फ शायद वही बंदा क्रिएट कर सकता है, वो 800 साल पहले की मैं बात करूँ। अभी के टाइम पे तो यार वाटर 7 चल जाओ वहाँ के लोग बना देंगे, लेकिन उस टाइम पे 800 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होंगी,
और उस टाइम पे यार अगर कोई बंदा इस तरह से गेट्स के बीच में से ऐसा टनल वाला रास्ता बना सकता है तो भाई वो पक्का यार वही बंदा होगा जिसने प्लूटोन को बनाया होगा। और अगर वो प्लूटोन को क्रिएट कर सकता है तो भाई बताओ ना यार उसके लिए वानों के गेट्स बनाना कौन सी बड़ी बात है। ओवरऑल अगर तुमने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तुमको एक बात समझ में आ गया होगा कि वानो कुनी 800 साल पहले भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और आज के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी ये आने वाले टाइम पे तुम देखना वानो कुनी से ही बहुत सारी चीज़ें जो है जा करके जुड़ेंगी। प्लस यहाँ पे एक और सवाल भी रह गया जिसका जवाब मैं तुम सबसे कमेंट बॉक्स में मांगूंगा, चिंता मत करो उसके ऊपर भी मैं थ्योरी वीडियो बनाऊंगा। भाई एक बात बताओ, जॉय बॉय का रिटर्न करना, नीका डेविल फ्रूट का अवेकनिंग होना, 800 साल पहले जॉय बॉय एग्जिस्ट करता था और 800 साल बाद जा करके जॉय बॉय आया, भाई ये 800 साल ही क्यों है? कभी तुम सोचे हो? कोई भी बंदा अगर मान लो मैं भी 800 साल पहले होता, मैं प्रेडिक्ट करता कि मैं इतने साल बाद वापस आऊंगा, तो भाई मुश्किल से 100 साल 200 साल 500 साल या फिर 1000 साल ही ले लो, भाई 800 साल ही क्यों? भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं भी बहुत बार सोचता हूँ इसको लेकर के, मेरे को थ्योरी बनाना है तो चिंता मत करो उसको लेकर के भी मैं थ्योरी बनाऊंगा। लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स में तुम सबका राय जरूर जानना चाहूंगा, तो इसको लेकर के तुम सबका क्या मानना जरा कमेंट बॉक्स में राय देना मत भूलना। और हाँ कल जो है गिव अवे का विनर का अनाउंसमेंट होगा, तो यार कल के वीडियो का वेट भी करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になって